हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, सुबह का टाइम हो चुका है और मैंने चाय बना दिया है और मैं आज देखो फ्रेश फ्रेश लग रही थी क्योंकि सुबह आजकल मैं पता है डेली अपने थोड़ा चेहरे का केयर कर रही हूँ। सुबह फेस वॉश उठते ही कर लेती हूँ और रात में करके सोती हूँ, नाइट क्रीम भी लगाती हूँ। और ऐसा माना जाता है कि अपने चेहरे का केयर करो तो आपका चेहरा भी आपका ध्यान रखता है। तो यहाँ देखिए, बाप बेटी दोनों लोग मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं और ये बेडशीट चेंज करना है। अच्छा, नहीं, दोनों बाप बेटी जा रही है नहाने, देखो। अरे अरे, ये क्या कर रही हो बेटू? इधर देखो, बाबू पता है ऐसा लग रहा है सेठ है, चार सिकड़ी उकड़ी पहन के, दम चांदी का चैन उन पहन के लग रहा है, सेठाइन लग रही है। जैसे लग रहा है कि जो सेठ जी दुकान पे बैठते हैं वैसे लग रही है ना बाबू। हेलो करो। नो, कर दो बाबू, मेरी शठाइन है। पानी गरम हो गया, देखो पानी गरम हो गया। अब देखो, पार्ले बिस्कुट वाली लग रही है, जो पार्ले बिस्किट के पैकेट में ऊपर जो एक लड़की रहती है ना, इसका बाल बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। बाबू देखे, इधर देखो। हाय करो सबको, हेलो। तो पापा और बेटू दोनों लोग नहाएंगे और पानी लग गया है गरम। तो चलो बाबू, तब से अपना नहा लो, फिर बाबू को नहलाना। नहीं, पहले बाबू को नहलाएंगे ना। और वो गाइस, टेडी भी थोड़ा गंदा हो गया, उसको भी धुल लेते हैं। उसको हम कितनों भी धुले, हर महीने वो समझ लो गंदा होता रहता है। हम तो टेडी से थक गए हैं, कितना धोए। और आज हम अपना कंबल वगैरह भी धो देंगे। ये देखो, दोनों निकाल दिया कंबल, दोनों उड़ते हैं। और ये सब कपड़ा हमने टांग दिया है रेलिंग पे क्योंकि धोना है। और ये कंबल में ना, एक कंबल में बाबू सूसू कर दी है और एक कंबल फ्रेश है, लेकिन अब धोएंगे तो दोनों साथ में धो देंगे। और ये कपड़ा याद है? तो गाइस, ये कपड़ा मेरे बाबू का बहुत ही अच्छा कपड़ा है, बहुत मतलब इतना मस्त लगता है ना ये कपड़ा। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ही मस्त है। और अभी बाबू को पहना देंगे, नहीं तो फिर अगले साल छोटा हो जाएगा। अभी पहनने लायक है तो हम कहा चलो पहना देते हैं। वैसे भी थोड़ा छोटा हो रहा है अभी, वो शायद 16 नंबर है, तो हम कहा पहना दे, नहीं तो छोटा हो जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा ना। फिर अफसोस होगा यार कि यार इतना प्यारा कपड़ा पहन भी नहीं पाई अच्छे से। और आज गाइस खाटू श्याम जी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे खाटू श्याम बाबा की, जय हो। और बहुत सारा यहाँ पे सब लोग डांस करते करते और खाटू श्याम जी का बर्थडे मनाते हुए सब जा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह करीब 4-5 ऐसे करके कोई ठेले पे, कोई गाड़ी पे, कोई रथ पे ऐसे लेके गए और बहुत ही अच्छा लगा सुबह। बाबू भी हमारी एकदम खुश हो गई देख के, जब बाजा डीजे कुछ भी बजता है ना तो एकदम मस्त हो जाती है। बाबू कहाँ है, देखो खेल लिए। बाबू कहाँ है। जाओ बड़ा अपने फेस पे ना कपड़े वगैरह डाल के खेलती है ऐसे, बाबू कहाँ है। 10:30 बजने वाले हैं, 10:30 बजने वाले हैं, वो तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन उठो तो ये चादर वगैरह सही करें। तो गाइस चलते हैं, थोड़ा कपड़े देख सकते हो, कपड़े वगैरह भी थोड़ा फैले हुए हैं। ये फैले इसलिए हैं क्योंकि जो कपड़ा सूखा हुआ था कल का, सब हम लेकर आए हैं छत से और अभी तक हम फोल्ड नहीं किए क्योंकि काफ़ी रात में गए थे लेकर आए और लाए भैया, फिर उसके बाद पड़ा हुआ है। हम कहा चलो फोल्ड वोल्ड कर लेते हैं, और हमारे पास समय भी नहीं रहता है ना, इन्हीं के पास रहता है। हम लोग का ज़िंदगी समझ लो बेकार है। कोई मतलब वो नहीं है, जैसे क्या बोलते हैं, करते रहो, समय नहीं मिलता है कि आराम करें या टाइम से ब्लॉग बनाए, टाइम से ब्लॉग डाले, ऐसा कुछ। तो देखिए बाबू को हमारे कान में फोन लगा के, कहाँ बात कर रही हो, भाग रही है। तो चलो गाइस, देख सकते हो 10:30 बज रहा है, अब हम फटाफट काम करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। वैसे तो हम लोग कब का उठे हैं, लेकिन बस इधर उधर कर रहे हैं। जैसे खाटू श्याम जी का बर्थडे वगैरह सब मना रहे थे तो हम लोग छत पर से देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद बाबू को खिला रहे थे, थोड़ा बच्चे को भी टाइम देना चाहिए। तो अब बस बहुत हो गया बातचीत, चलो काम करते हैं। छोड़ो इसको, बेड से जा रहे धोने। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैं यहाँ काम करने जा ही रही थी, जा क्या रही थी, कर ही रही थी। तब तक मैं इधर देखी कि पापा और बेटू दोनों लोग मिलकर डांस कर रहे हैं, तो हमने कहा गाना चल रहा है तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए ऊपर से आप सबको वीडियो में दिखा देते हैं और ऊपर से वॉइस डाल देते हैं। और यहाँ पे मैं कपड़ा धो रही थी बालकनी पे, तब तक इधर खाटू श्याम जी का बर्थडे है तो जानते ही हो आप लोग। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से, मतलब पूरा सजा धजा के, जैसे डोली सजाते हैं ना वैसे लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छे से मना रहे थे। तो हमने कहा चलो ये भी थोड़ा सा वीडियो में कैप्चर करके आप सबको दिखाई देते हैं।
यहाँ पे बेडशीट लगा रही हूँ। बाबू हमारी क्रीम के साथ खेल रही थी, फिर काजल के साथ खेल रही, तो काजल का डिबिया पता नहीं कैसे खोल दी थी तो मेरे पैर में, टी शर्ट में, हाथ में भी लग गया था। देख सकते हो पैर, आप सबको दिख रहा होगा कि कितना गंदा लग रहा है। और साथ में मैं अपनी मम्मी से देख सकते हो कॉल पे बात भी कर रही थी, तो मम्मी बोल रही थी कि भाभी आ गई हैं, तुम कब आ रही हो? हमका मम्मी चलो आ जाएंगे, भाभी आ गई तो मैं भी आ जाऊँगी बहुत जल्द, और गाँव आने वाली हूँ तो घर पर ज़रूर आऊँगी। तो मम्मी बोल रही थी हाँ चलो आ जाओ, चलो घूमते हैं सब लोग साथ। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। और आज है, जैसे कि आपको पता है, आज एकादशी है तो तुलसी विवाह भी है, तो बाहर बहुत ही अच्छा पूजा वगैरह हो रहा है। सामने हमारे थोड़ा सा आगे है, सामने नहीं है, थोड़ा सा आगे मंदिर है। बाबू ऐसा नहीं करते, मम्मा बहुत मारेगी। नहीं तो देखिए हमारी बाबू क्या कर रही है, अभी मम्मा आएगी तो बहुत पीटेगी, बहुत बहुत। हाँ नहीं करते ना, नहीं जमीन में हाथ नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो अभी एक्चुअली गाइस हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा बाबू को बाहर दिखा देते हैं, घुमा देते हैं, क्योंकि पूजा पाठ हो रहा है या तुलसी विवाह हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो हम बाबू को दिखाते हैं। और आज है एकादशी, तो घर में एकादशी वाले दिन पूजा किया जाता है, तो थोड़ा तबीयत मेरा नहीं सही है तो पूजा नहीं कर सकते हैं, और आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। कुछ भाई प्रॉब्लम होता है तो इंसान नहीं कर पाता है। कुछ लोग बोल रहे थे ये इनका पूजा पाठ 4 दिन का था, तो हमारा 4 दिन का है या 4 साल का है, तो कुछ प्रॉब्लम होता है कि इंसान नहीं करता है, तो पति देव पूजा अपना कर लेते हैं जिस दिन मैं नहीं कर पाती हूँ। तो चलो बाबू को लेके चलते हैं, थोड़ा बच्चे को भी बाहर घुमा उमा देते हैं, क्योंकि बच्चे भी एक जगह पे रहते रहते इरिटेट हो जाते हैं और बहुत परेशान हो, रोने लगते हैं। चलो चलते हैं, चलो चलो, मेरा स्लीपर देख रही है कि मम्मा स्लीपर पहनी है, चलो चले, चलो चलो बेटा, चलो आते हैं फिर तब दिया जलाते हैं। हमका चलो शाम का टाइम हो गया है, आते हैं तब दिया जलाते हैं, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा रो रही है, परेशान कर रही है, तो हमने कहा चलो पहले इसको थोड़ा सा घुमा भी देते हैं। और कुछ सामान नहीं है तो हम ले आते हैं, तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों मैं गई थी मार्केट, पीछे मार्केट है हमारे घर के, और सब्जी वगैरह थोड़ा लेना था, और बाबू के लिए, बाबू हमारी पनीर खाती तो पनीर हमने कहा चलो ले ले, और एक मूंगफली बोल रहे हैं तो मूंगफली ले लिए हैं, और थोड़ा सा पनीर और बाकी छोटा मोटा। चलो और इधर देख सकते हो मैं दिए जला दी हूँ और मैं जा रही हूँ रखने। तो गाइस अभी मैं इसमें 5 दिए रखी हूँ बाकी, और अभी मतलब थोड़ा थोड़ा करके जला रही हूँ, अभी बालकनी में रख देती हूँ, फिर भगवान जी के पास, उसके बाद सीढ़ी पे ऐसे हमारे घर, मतलब मम्मी का कॉल आया था, मम्मी बता रही थी 11 दिए आज जला देना। आप लोग बताइएगा आप यहाँ कैसे पूजा होता है, और आज के दिन आप लोग भी 11 ही दिए जलाते हो या और जलाते हो? तो कितनी अच्छी बात है ना कि अगर पतिदेव होते तो पूजा पाठ करते, कितना अच्छे से थोड़ा नया नया कपड़ा पहनते और अच्छे से सेलिब्रेट करते। फिलहाल पतिदेव नहीं है, चलो कुछ होते हैं ना पति लोग जब हमेशा साथ रहते हैं, ये पूजा पाठ का सामान लाना, फिर काम धाम करना साथ में, मतलब सब कुछ साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है। अब ऐसे अकेले करने में कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब कोई भी काम, बाबू नहीं नहीं कोई भी काम हो तो फिर नहीं हो पाता है अकेले, क्या करना, मतलब कोई भी काम हो तो जैसे हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जब भाई कोई हेल्प करने के लिए होता है ना तो फिर अच्छे से कर लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, हमने उनको कॉल कर दिया कि मैं जा रही हूँ दिया जलाने, उन्होंने बोला चलो ठीक है जला लो। हम बोले अगर आप, उनसे बोली कि अगर आप होते तो हम पटाखे वगैरह हम लोग छुड़ाते, मैं बाबू और आप, तो बोले कोई बात नहीं चलो, क्या करें भाई, ये भी तो जरूरी है रोजी रोटी, अगर नहीं जाएंगे दिन भर घर पे ही रहेंगे तो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बाबू का दवाई आएगा, बाबू का कपड़ा आएगा। चलो गाइस तो अभी ये वाला ब्लॉग गाइस यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे और नेक्स्ट वीडियो में, काफी टाइम हो रहा है और 7 बजने वाले भी हैं, तो चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर।